हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 18 अक्टूबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको इस वर्कशीट का सोल्यूशन समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। आज की जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है वो आपकी 23 एंड 24 नंबर की जो वर्कशीट आई थी उसके ऊपर बेस है। तो देखते हैं, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद ए पेंसिल और पेन। तो जो क्वेश्चन है उसके सामने जो चार ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको पेन या पेंसिल के साथ सहायता से आपको डार्क करना है। तो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड। तो भोजन को अंदर शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं इंजेशन। तो फर्स्ट का करेंगे ए। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो आपने जैसे ये देखा था, ये क्या था हमारा फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन था जो कि पीछे की तरफ बकल कैविटी से जुड़ा हुआ था। तो ये क्या था हमारा, टंग था बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टंग। तो इसका आंसर आप करेंगे सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। ये सेकेंड है तो ये सेकेंड का सेकेंड ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, द फूड गेट ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ। तो जो भोजन हम मुंह के अंदर लेते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम कौन करता है बच्चों, वो करते हैं टीथ। थर्ड का आप करेंगे सेकंड, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका थर्ड का सेकंड, यानी कि टीथ का आंसर आप कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। तो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए कौन से टीथ का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है बच्चों इंसीजर। फोर्थ का आप करेंगे ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इट हैज़ मेनली फोर टेस्ट बड, आइडेंटिफाई वो एम आई। तो जैसे जो हमारे पास जीभ थी उसके चार टेस्ट बड थे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है। तो चार टेस्ट बड थे तो ये किसके होते बच्चे, हमारे होते टंग के। तो फिफ्थ का आप करिए ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू। तो जो सलाइवा होती है वो क्या करती है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती है। तो सिक्स का आप करेंगे वन, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती है। सेवन्थ क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासिस आउट वाटरली स्टूली फ्रिक्वेंटली स्कॉल। तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं जिसमें जो व्यक्ति होता है ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लिक्विड फॉर्म में अपना जो वेस्ट होता है उसको निकालता है, उसको हम बोलते हैं डायरिया। तो सेवन्थ का आप करेंगे फर्स्ट, डायरिया, ठीक है। डायरिया को हम हिंदी में दस्त भी बोलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, डैमेज ऑफ टीथ ड्यू टू रिलेटेड एसिड थ्रू द लेफ्ट ओवर फूड इन माउथ इज कॉल्ड। तो जब टीथ का डिक्के मतलब खराब डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है किसकी वजह से, एसिड की वजह से। और एसिड किस वजह से आते हैं, जब हमारे दांतों में कुछ खाना बच जाता है तो उससे क्या होता है, एसिड बनता है। उस एसिड की वजह से जब हमारे दांत खराब होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टूथ डिक्के। तो एट का आप करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो टूथ डिक्के बोलते हैं उसको। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल ही इज इन्वॉल्व इन च्यूइंग ऑफ फूड। तो च्यूइंग ऑफ फूड के लिए कौन सी कैनल का, डाइजेस्टिव कैनल का इस्तेमाल किया जाता है, वो है बक्कल कैविटी। तो नाइन्थ का करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड ऑप्शन है इसका बक्कल कैविटी। टेंथ क्वेश्चन है, द डैश हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सैलिविया। तो फूड के अंदर सैलिविया मिक्स करने का काम कौन करता है, वो कहता है टंग। तो टेंथ का आप करेंगे फर्स्ट, क्योंकि इस टंग के अंदर क्या होता है, ये क्या करती है, कुछ लिक्विड जनरेट करती है जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सैलिवा। तो टेंथ क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करें, जिसे चेक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।